हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। सो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, और आज हम करेंगे 2017 के क्वेश्चंस जो 2017 में एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और जल्दी से आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है आज, व्हाट डज द डॉट ओ आर जी डोमेन रिप्रेजेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है। ओ आर जी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप मेल करते हो या फॉर एग्जांपल आपको कोई मेल आती है तो सब्जेक्ट आपको पहले ही दिख जाता है उसका, ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किस टाइप की मेल होगी या उसका कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड एज अ सर्विस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था आपका। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट इज, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इन टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश। सो कुछ भी चीज जो आपका कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है उसे हम इनपुट बोलते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं पहले आपको एक डायग्राम बता देती हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें बचपन में पढ़ाया जाता था सीपीयू का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता था, पहले सबसे पहले होता था कंट्रोल यूनिट, देन आपका होता था ALU या फिर लॉजिकल यूनिट, ठीक है। देन कुछ एरोज ऐसे हमें दिखते थे, ठीक है, जिसमें आपका फिर लास्ट में होता था मेमोरी यूनिट। कुछ याद आया, बचपन की चीजें हैं ये सारी। तो यहां से आप देख लो सीपीयू के स्ट्रक्चर में तीन चीजें क्या क्या चीज हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशंस स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड डैश। जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी में एक मोटिव से आपका कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए वो क्या किस कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वर्ड के उनका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा .doc। 2007 के बाद ये एक्सटेंशन आपका .docx हो गया है, ठीक है। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो PPTX देखने को मिलेगा, एक्सेल की बात करें XLSX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड इज डैश। सो जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट सेंट्रलाइज करना हो, बीच में रखना हो, जैसे आपका ये पेज है और इसके बीच में आपको जो है टेक्स्ट रखना है, तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+E। अगर राइट रखना है तो Ctrl+R, ठीक है, लेफ्ट करना है Ctrl+L। अगर आपको जस्टिफाई रखना है, मतलब ना इधर से ज्यादा ना इधर से कम, ठीक है, बराबर होना चाहिए दोनों साइड से, तो आपका हो जाएगा Ctrl+J, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और डैश कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड। सो जो भी कॉमनली यूज कमांड होती है ये सारी आपकी आती है टूल बार में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इंप्रूव्स प्रोसेसिंग बाय एक्टिंग एज अ टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू। तो जब भी आपका मेमोरी एंड सीपीयू के बारे में हो, इन दोनों के बीच में कौन सी मेमोरी आपकी हमेशा रहेगी, दैट इज कैशे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत अच्छी या बहुत स्पीड से काम करती है, ठीक है, रैम से भी ज्यादा स्पीड किसकी होती है, कैशे मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन द माउस इज यूज टू डैश। सो माउस आप सभी ने देखा होगा, इस टाइप का कुछ होता है, यहाँ पे एक आपका जो है बटन, ये बटन होता है राइट का, ये होता है लेफ्ट का, ठीक है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हो आप लोग, इसके बीच में आपका एक जो बटन होता है वो स्क्रॉल करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, स्क्रॉल करना पेज अप पेज डाउन को, ठीक है, या पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है, कंट्रोल, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट कंप्यूटर ऑन द वेब. सो करेक्ट आंसर है, ये काम करता है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द डैश सिंबल. बहुत इजी क्वेश्चन है आपका. आपकी मेल आईडी क्या होगी आप सभी को पता है. मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, xyz@gmail.com, ठीक है, yahoo.com जो भी आपका होगा. तो यहाँ पे ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है एक @ सिंबल से. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैशे मेमोरी इज अ डैश. सो कैशे मेमोरी आपका क्या होता है, पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता. तो कैशे मेमोरी आपका परमानेंट नहीं होता, ये मेन मेमोरी भी नहीं होती है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा. तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ स्मॉल बफर स्टोरेज और ये टेम्पररी आपका स्टोरेज होता है. नेक्स्ट इज, अ डैश इज अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेज योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज. जब भी आपकी बैटरी जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब आपको 10-15 मिनट्स का जो है बैकअप कौन प्रोवाइड करता है, UPS, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट. ईमेल अटैचमेंट क्या होती है आप सभी को पता है, जल्दी से इसके ऑप्शंस रीड करिए और मुझे आंसर बताइएगा. देखो, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है जो आपका किसी प्रोग्राम में, अनदर प्रोग्राम में सेंट होता है उसके साथ, ठीक है. जब भी कोई मेल आप लिखते हो उसमें एक चीज अटैच करते हो, वो क्या हो जाती है आपकी अटैचमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, ये आपका हो जाता है अटैचमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द डैश. बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा होम पेज. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज. सो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आपके होते हैं मॉडिफायर्स की. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नाउ यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन या किस किस टाइप की कीज होती है. पहले आपकी देख लेते हैं फंक्शन की, जो आपकी F1 से F12 तक होती है, ठीक है. नेक्स्ट आपकी होती है नेविगेशन की. ये जब भी आपने आपने कीबोर्ड देखा होगा, राइट, तो जैसे आपका यहाँ पे होता है ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, पेज वाप, पेज डाउन, या एरो कीज जो होती है, ये सारी आपकी होती है नेविगेशन की. फिर जो नंबर वाला सेक्शन होता है इट इज नोन एज न्यूमेरिक कीज, ठीक है. और अल्फान्यूमेरिक कीज कौन सी हो जाती है, जिनमें नंबर्स नहीं होते, जैसे आपकी ये क्वेटी होगी, ठीक है, जो भी आपकी ABCD ये क्वेटी वाली साइड हो गई, ये सारी आपकी क्या कहलाती है, अल्फान्यूमेरिक की. कंट्रोल की कौन सी होती है आपकी, कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो गई, कंट्रोल ऑल्ट हो गई, ये सब, ठीक है. पर कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट जो है वो मॉडिफायर की भी आपकी होती है, ठीक है. आई होप आपको इसे समझ आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश इज ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल और अनसॉलिसिटेड बल्क मेल. सो आपकी ये कौन सी मेल होती है, ऐसी मेल्स जिसमें आपके वायरसेस हो, या जंक मेल किसे बोलते हैं, बेसिकली स्पैम मेल को, ठीक है. ये चीज याद रख लो, स्पैम मेल आपकी जंक मेल होती है. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपका, चूज ऑड वन आउट. अब देखो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो ये सारे क्या है आपके, www, इंटरनेट, साइबर स्पेस, किससे रिलेटेड है, सारा इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है. बचा कौन, HTML. HTML क्या होता है आपका, ये लैंग्वेज होती है, ठीक है. सो पूरा नाम क्या होता है इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली ये क्या करती है, ये कोड करती है वेब पेज को या उसके कंटेंट को, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन अ रिंग्स कॉल्ड डैश. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रैक्स. यहाँ पे मैं आपको एक इमेज की मदद से दिखाती हूँ, ठीक है. देखो यहाँ पे ये जो इस टाइप में आपका जो है डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये रेड वाला आपका क्या है, बेसिकली इट्स अ ट्रैक, ठीक है. ये डेटा स्टोर किया जाता है रिंग्स की फॉर्मेट में. सो आंसर क्या हो गया, ट्रैक्स. अगर हम ये बात करें, अगर ये ब्लू वाला शेड हम देखें, ठीक है, तो ब्लू वाला शेड क्या आपका कहलाता है, सेक्टर. तो अब और इस सेक्टर के अंदर जो आपकी ये लाई कर रही है रिंग जिसमें डेटा स्टोर्ड है, इट इज नोन एज योर ट्रैक सेक्टर, ठीक है. वेयर एज अगर आपने ये देखा है, ग्रीन वाली लाइन जो आपको दिख रही है, 1, 2, 3 सेक्टर में जो ट्रैक आपका लाई कर रहा है, इट इज नोन एज योर क्लस्टर. तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये इमेज की तरफ से समझ आ जाएंगी, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ डैश. सो मेमोरी यूनिट किसका पार्ट होता है आपका? सीपीयू का. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट होता है, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट. जब भी आप किसी वेबसाइट पे बार बार विजिट करते हो तो वहां पे क्या बन जाती है? कुकीज बन जाती है, जो आपके जो जितने भी विजिट हुए हो उसका डेटा स्टोर करके रखती है. सो आंसर क्या हो जाएगा? कुकीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड डैश. सो इसे आपका बोलते हैं मेल गेटवे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश. सो ऐसे देखो, नॉर्मली जो कोडिंग की जाती है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, पर जो ह्यूमन रीड कर सकते हैं उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका सोर्स कोड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली दैट प्रोग्राम एंड डेटा दैट सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग. सो जो भी सीपीयू आपका करेंटली प्रोसेस कर रहा होगा तो उसका आंसर, उसको क्या बोला जाएगा? कौन सी मेमोरी उसे स्टोर करेगी? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर. आप कहीं से भी जो है अपनी मेल यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. तो ये किस कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है कहीं से भी आपकी मेल एक्सेस करने में? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेब मेल इंटरफेस. नेक्स्ट है आपका, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स इन एन ईमेल. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपका. तो जब भी आप किसी को मेल करते हो तो फ्रॉम और डेट जो होता है ऑप्शन ऑप्शन वो ऑलरेडी फिल्ड होता है. सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इनपुट डिवाइस दैट इज एबल टू इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया इज नोन एज डैश. सो जो आपका, जैसे आप एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम, ठीक है, तो पहले क्या होता था, एग्जाम में आपको एक शीट दी जाती थी जिसमें आपको पेंसिल से जो है अपने आंसर मार्क करने होते थे. तो ये जो शीट से ये किस कौन एनालाइज करता है? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ एमएस पावर पॉइंट. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? .ppt या .pptx. ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज, डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस. सो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपका वेब पेजेस व्यू करने में आपको हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राउजर. जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं उसी की हेल्प से आप वेब पेजेस एक्सेस कर पाते हो. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लैश स्लाइड. बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन पावर पॉइंट में आप इसे कर पाते हो. ठीक है, जो पीपीटीज हैं या जिस सॉफ्टवेयर में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो, ये है क्या? पावर पॉइंट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, डैश अलाउज वायरलेस मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इट्स सर्विस सच एज वेब एंड ईमेल. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन डैश. बहुत इजी क्वेश्चन है. इनपुट आप कर नहीं सकते, स्टोर आप कर नहीं सकते, आप स्कैन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्या हो गया आपका, एक तो इनपुट डेटा हो गया, ठीक है, एक हो गया स्कैन डेटा, मीन्स ये कौन करेगा? इनपुट डिवाइस. तो आप क्या कर सकते हो? व्यू और प्रिंट डेटा फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन ये. आप क्या कर सकते हो? सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके. सेलेक्ट द रेडी प्रिंटर कमांड देन सेलेक्ट ओके. टाइप प्रिंट एंड देन प्रेस एंटर. क्लोज द डॉक्यूमेंट. सेलेक्ट द प्रिंट कमांड देन सेलेक्ट ओके. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अगर आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट तो आप पहले जो है प्रिंट कमांड दोगे, देन उसको सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज, इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल डैश. वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका जो कंटेंट है या डेटा जो है वो आपका उड़ जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लूजेस इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ.
नेक्स्ट है आपका द की कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू डैश इन एमएस वर्ड. सो आप एमएस वर्ड ओपन करना और इसे चेक करना कंट्रोल प्लस राइट एरो से होता क्या है. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ. इसे जब भी आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओगे तो आपका जो कर्सर होगा वो राइट साइड को एक वर्ड मूव कर जाएगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट, आंसर नंबर ए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज. सो 2017 में आपका पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन था विंडोज 10, बट अगर हम अभी बात करें तो विंडोज 11 आपका चल रहा है करंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कलर मॉनिटर ईच पिक्सल इज कंपोज्ड ऑफ डैश. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 3 मिनी डॉट्स. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे. एंड आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 40, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और ऐसे ही प्रीवियस ईयर सीरीज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा. मिलेंगे आपको कल ऐसे ही नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.